सबसे पहले नंबर है डीएसपी साहब के साथ जो आए वह जाए। मुझे पता लगा कि आप आए दर्शन करके निकल गए, कोई बात नहीं, बैठिए। आइए आइए आइए, आप आगे आइए, यहां आइए, पालती मार के बैठिए और सरक के आइए और पास में आइए, हनुमान जी तरफ देखिए, सीधे बैठिए भैया, इससे टच नहीं करें, माइक उठाइए। हाँ भैया, क्या जानना चाहते हैं आप, कहां से आए और क्या समस्या लेके आए बताइए। मैं खोल दूं जी, ग्वालियर से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मैं डीएसपी हूँ पुलिस में। कहाँ पर? ग्वालियर में जी। क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या लेके आए? मैं अपनी पुत्री की समस्या लेके आया हूँ। पत्नी की? पुत्री 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 की। क्या? और उसके एग्जाम का है और शादी का। ये दूसरा जी, कुलदेवी के संबंध में, एम कुलदेवता किस वंश के हैं, कब के हैं, कहाँ स्थान है? कुलदेवता, कुलदेवी और किस वंश के, किस कुल के हैं? तो ये तो क्लियर है कि आपके पिता भी होंगे, आपकी माता भी होंगी, तो वही कुल है जो जिसके माता पिता जिस वंश के हैं। मैं ऊपर की पीढ़ियां पूछ रहा हूँ, 14-15 ऊपर की पीढ़ी। तुम्हें कितनी पीढ़ियां आती हैं? मेरे पास में 11 पीढ़ी तक का। क्या आप मुझे अपनी पीढ़ी के विषय में किसी एक का, पूर्व पुरुष का जो सबसे लास्ट हो उसका नाम बता सकेंगे? राम जी, रामदास, राम सिंह, नहीं राम जी, राम जी, रामदास, राम सिंह, इस नाम से। रामदास जी, भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप जी, गलत बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, जैसा लोगों ने बताया। सुनिए, सबसे पहले आप भैया ये बच्चों को शांत कराइए, दिखाई दे रहा ना बच्चों को, पकड़िए बड़े बड़े लोग जो हैं साथ में। हाँ सुनिए, आपके घर में सबसे पूर्व में जाएं तो बहुत लंबी पीढ़ी है। सुनिए, मैं पीढ़ी सुनाता हूं, एक एक पुरुष का नाम बताऊंगा। सबसे पहले हैं आपके कुल में रामलाल, फिर है बंसीलाल, ठीक है ना, फिर है मंत्रानंद, फिर है पूरनमल, फिर चंपत राय जी, फिर बारेलाल जी, फिर रामदास जी, फिर जय सीताराम जी, बद्री नारायण जी, फिर इसके बाद आइए रतन सिंह। आपको जहां मिलत जाए वो कह जाना यस, जो ना मिले तो मना कर जाए। रतन सिंह जी आइए 1568 1569-70 के आसपास की घटना में आपके घर में रतन जी हुए हैं जी। आ रहा नाम, आता है, आता है जी। फिर उसके बाद जयमल जी जी, ये मेड़ता वंश से निकले हुए हैं जी। कौन से वंश से निकले हैं? मेड़ता वंश से निकले, ठीक है। चित्तौड़ की मीरा देवी के सहयोगी पार्टी से निकली हैं जी, ठीक है ना। फिर आइए राम जी, राम जी के सही भाई परजन भगवान दास जी, दयाराम जी, 1670 में आ जाइए जी, ठीक है ना, जिनका वंश झाबुआ क्षेत्र चला गया। बिल्कुल सही है, जिसका वंश झाबुआ वंश चला गया, मऊ इंदौर जी जी, हल्दीघाटी युद्ध के बाद गया है, ठीक है ना। फिर आइए बाबू जी, फिर गुलाबचंद जी, फिर ठाकुर जी, फिर मुकुंद मूलचंद जी, 1860 में आ जाइए जी। जय नंदू बाबू जी, मदन जी 1900 के आसपास आ जाइए, मदनू जी 1926 में आ जाइए, जय नारायण जी, मदन सिंह जी आपके परजन आ गए हैं। मदन सिंह पिताजी, मैं बोलता हूँ आपके परजन आ गए, आपके पिता आ गए, जय नारायण जी, मदन जी, महेंद्र जी, अशोक जी और उसके बाद संजय जी, अत्यादि आदि आदि। जय पंडोकर धाम की जय। यदि गलत हो तो टोक के दिखाओ। बिल्कुल सही है महाराज, तुम 11 पीढ़ी की, हमने आपको 26 पीढ़ी का द्वारा दिया है। पंडोकर धाम की जय। आपके पास कितनी पीढ़ी याद है आपको? मेरे पास क्या आप सुना सकते हैं? 12वीं पीढ़ी तक राम, क्या सुना सकते हैं आप? 12वीं पीढ़ी तक रामदास जी थे, रामदास जी तक थे। हैं आपके पास? लिख के ले आए हो क्या? लिखा हुआ सुनाइए। नीचे से चालू करता हूं मैं।
मदन सिंह, नंदू बाबू, बोलचंद, मुकुंद राम, ठाकुर श्री जी, गुलाब जी, बाबू जी, दयाराम, भगवान श्री जी, राम जी। बोलो उचित है या नहीं? मतलब जो हमने बताई इससे गजट वो है, उससे गजट ये है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता श्रीमान जी। ठीक है, हनुमान जी को प्रणाम करें और धोग लगाइए। हनुमान जी पंडु को सगा कृपा करेंगे, आपको यह जानने की फीस लगेगी जी। फीस यह लगेगी आपको, या तो राशि जमा करा दीजिए या फिर अगली बार आगे करा दीजिए, 11 कन्याओं का भोज करा दीजिए जरूर, क्योंकि ब्यौरा पार्टी देना मेरा कर्म नहीं है, ये अन्य ब्राह्मणों का फर्ज है। ये गद्दी पे तो मात्र पितरों को बताया जाता है, हम पटिया नहीं है, माफी चाहते हैं। ठीक है ना सर? ठीक है ना जी, जी। और ये वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, पर्चा ये है। बाकी दो ऐसी पीढ़ी भी हैं जो बहुत ही खराब हुई हैं, उनके कारण परिवार में नाम भी गिरा है, वे दो लोगों के नाम घर से निकाल दिए गए थे, इसलिए आपके पटिया ने कहा कि एक नाम नहीं बताया जाएगा क्योंकि उनका नाम लुप्त है, उनको मरा मान लिया गया था जी। आपके पटिया ने बताया होगा? हाँ बताया होगा महाराज, मुझे नहीं पता है, है? मुझे नहीं पता, बताया होगा उन्होंने। बताया नहीं, बताया है जी। किसने पूछा था पटियों से? मेरे अंकल थे लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, लगाइए लक्ष्मण सिंह जी। वो तो गुजर गए, गुजर गए, स्वर्गवास हो गया उनका अभी 2019 में। आप लिख के लाए हो? हाँ मैं लिखा था ना यहाँ पे। आप पूरा पढ़ के सुनाइए। मैं राम जी तक उन्होंने से बताया था, राम जी, भगवान जी, दयाराम, बाबू जी, गुलाबचंद, ठाकुर श्री जी, मुकुंद राम, बोलचंद, नंदू बाबू, मदन सिंह और मैं। 11 हो गए जी, 12 हो गए, 11 लक्ष्मण जी है नहीं? नहीं, लक्ष्मण जी अंकल है मेरे पिताजी। तो भाई पीढ़ी में तो आना चाहिए, वो चाचा ताऊ नहीं छोड़े, बब्बा बब्बा पकड़ लाए, बड़े बड़े के तीन तीन भैया पकड़ लाए। चलो हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है, जाओ आशीर्वाद, कल्याण हो, आपकी बेटी का मनोरथ पूर्ण होगा, पंडो का सुखा कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। ये पर्चा इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये पटिया में आ जाता है, हम अपने पर्चे को गजट नहीं करते, बस आपका आशीर्वाद बना रहे हैं, हम ये गजट करते हैं जो मैंने बोला है, हमारे यूट्यूब से ले लीजिएगा जी। चलिए।